कांग्रेस ने संगठन में कई नियुक्तियां की है। भोपाल जिला अध्यक्ष के तौर पर मोनू सक्सेना को कमान सौंपी है। नियुक्ति के बाद उन्होंने मृदुभाषी से बातचीत में कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भोपाल की तमाम सीटें कांग्रेस जीतेंगी। मैं पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं से बात कर उन्हें एक करने की कोशिश करूँगा। भोपाल जिला कांग्रेस के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष मोनू सक्सेना जी मौजूद हैं। चलते हैं, आपको कांग्रेस पार्टी में विशेष बड़ी जिम्मेदारी किस तरीके से लेते हैं, जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का जिला अध्यक्ष बनाकर बड़े बहुत बड़ा विधायक और मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि मध्य प्रदेश के राजधानी वासियों के अधिकारों की बात, उन पे हो रहे अत्याचारों की बात और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हो रहे अत्याचारों को किस प्रकार से लड़ाई लड़ेंगे और उस आवाज को पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश की जनमानस तक पहुंचाएंगे। मैं सबसे पहले राष्ट्रीय नेतृत्व को, मध्य प्रदेश के आदरणीय हमारे अध्यक्ष कमलनाथ जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, जेपी अग्रवाल साहब को, माननीय दिग्विजय सिंह जी को, माननीय अरुण यादव जी को, सुरेश पचौरी जी को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जिस इन लोगों ने मुझे छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ का अध्यक्ष बनाया। लेकिन मोनू सक्सेना अध्यक्ष नहीं है, पहले भी कार्यकर्ता था। मोनू सक्सेना पहले भी कांग्रेस पार्टी का झंडा झंडा लेकर के जनमानस की आवाज को उठाता। आने वाले समय में बहुत जल्दी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तमाम कांग्रेस पार्टी का घर घर से कार्यकर्ता निकल करके मध्य प्रदेश की जनमानस की, युवाओं की आवाज उठाएंगे, महिलाओं की आवाज उठाएंगे, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाएंगे और मध्य प्रदेश में 50% हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे और एक होकर के संगठित होकर इस भ्रष्टाचारी सरकार को फाड़ने के लिए कमलनाथ जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ। जिला अध्यक्ष आपको बनाया है, चुनावी साल है, किस तरीके से लेते हैं? 8 में से अभी भी 5 विधानसभा भाजपा के कब्जे में। देखिए, आने वाले समय में आप जल्दी 2023 के चुनाव के परिणाम देखिएगा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हर घर का व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने जा रहा है, किस प्रकार से कांग्रेस से जुड़ने जा रहा है। आप देखिएगा कि कल से मैं, जब से मुझे जिला अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस का कार्यकर्ताओं में उत्साह है, एक उमंग है, एक जोश है, जुनून है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लड़ने के लिए। आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तमाम विधानसभा की सीटें कांग्रेस जीतेगी और आने वाले समय में आप देखिएगा कि कुछ सीटों पे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त होगी। आप जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, पुराने जो कार्यकर्ता हैं, काफी खुश हैं, इस तरीके से आप देखना चाहेंगे तो आप जिला अध्यक्ष बने तो काफी जिम्मेदारियां आपको मिली है, काफी उम्मीदें लोगों की है, इस तरीके से आप लोगों को आगे लाएंगे और चुनावी साल में कितनी सीटें आप जीत पाएंगे? एक घर परिवार में जब 5 मेंबर होते हैं तो कोई नाराज होता है, कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा मानता है, लेकिन जब घर का मुखिया जिम्मेदार, जवाबदार, होशियार हो तो मुझे लगता है कि सबको एक करने की क्षमता भी जानता है। ऐसे ही हमारा एक परिवार है कांग्रेस पार्टी, उसमें लोग नाराज भी होते हैं, अच्छा भी मानते हैं, बुरा भी मानते हैं, लेकिन जब कांग्रेस के झंडे की बात आती है तो मध्य प्रदेश में सारा, पूरे देश का, मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की राजधानी का कार्यकर्ता कांग्रेस के झंडे के नीचे नजर आएगा। कांग्रेस के नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने, कांग्रेस के नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने नारा दिया है कि पार्टी में प्रत्याशी नहीं चलेगा, पार्टी में कांग्रेस का पंजा चलेगा। जिसके पास पंजा होगा वो कांग्रेस का नेता है, वो हमारा नेता है। यही लाइन लेकर के हम लोग कांग्रेस के लोग घर घर बात करेंगे और वो जो तमाम साथी हमारे घर में बैठे हैं, जो किसी वजह से नाराज है या किसी कारण से अपने घर बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में बैठे हुए हैं, उन सबको हम घर से निकाल के लाएंगे, उनके अधिकारों की बात करेंगे, उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शासन प्रशासन ये समझ ले जल्दी भोपाल राजधानी जेल के दरवाजे खोल दे, कांग्रेस का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश राजधानी वासियों की लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं। अब देखना होगा कि मोनू सक्सेना कितनी अपने कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी लड़ाई लड़ते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मोनू सक्सेना के आने से, जिला अध्यक्ष बनने से कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता है? वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ जीशान अली, मृदुभाषी, भोपाल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।